तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम मारिया नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी और उनकी एक भतीजी थी जिसका नाम वान्या था और उन दोनों ने उसे गोद ले लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वान्या के माता पिता की अजीब तरह से मौत हो गई थी। मारिया और एडेन वान्या से बहुत ही प्यार करते थे लेकिन वान्या अभी भी अपनी माँ को याद करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडेन की एक टॉय फैक्ट्री थी जिसमें वह गुड़िया बनाता था और उन्हें बेचता था। कुछ दिन पहले उन्होंने सबरीना नाम की एक डॉल बनाई थी जिसे बच्चे इस डॉल को खरीदने के लिए बहुत आया करते थे। एडेन ने अपनी पत्नी के लिए एक बड़ी सबरीना डॉल को बनाया जो सच में बहुत अच्छी थी और मायरा को एडेन का यह सरप्राइज बहुत ही पसंद आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में होती है और वहाँ पर उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा था और वह इस गेम की मदद से अपनी दादी की आत्मा को इस असल दुनिया में बुला रहा था। वान्या देख कर बहुत खुश हो रही थी। वह उसे बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रे करना होगा ताकि आई हुई आत्माएं वापस जा सके और वह वान्या को एक ऐप के बारे में बताता है जिसमें आत्माओं का पता लगाया जा सके। फिर वान्या ने उससे चार्ली गेम को उधार के तौर पे अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान्या इस खेल की मदद से अपनी माँ की आत्मा को इस दुनिया में बुला रही थी और वान्या को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा सच में इस दुनिया में आ गई है। फिर वो ऐप की मदद से उनकी आत्मा को ढूंढना शुरू करती है। जाहिर है कि यह ऐप फर्जी था और इसमें उसे अपनी माँ की जगह अपनी आंट मायरा नज़र आ रही थी। मायरा वान्या को अपने कमरे में सुलाती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल को भी उसके साथ सुला देती है। जब वान्या सो रही थी तो हम डॉल की आंखों को हिलते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई आत्मा तो ज़रूर उस चार्ली गेम से इस दुनिया में आ गई थी और सबरीना डॉल में थी। अगले दिन हम सबरीना डॉल को इधर उधर जगह बदलते हुए देखते हैं जो अपने आप उधर जा रही थी, जिससे कि मारिया ये देखकर काफ़ी डर जाती है। रात में जब वान्या उस ऐप को दोबारा से यूज करती है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो कि रियल में एक डमी थी। तभी कोई वान्या को पीछे से अपनी तरफ खींच लेता है और सुबह वान्या जब मायरा को यह बात बताती है लेकिन उसकी आंट उसे कहती है कि तुम्हारी माँ एडनिया भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एडनी वहाँ पर मौजूद थी। अगली रात मायरा अपने घर में एडनी को देखती है। अचानक वो एक डीमन में बदल जाती है और वो मायरा को मारने की कोशिश करती है जिससे कि मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसकी बात सुनकर एडेन भी वहाँ पहुँच जाता है लेकिन ये डीमन उन दोनों पे हमला कर देती है। वह उन्हें किसी भी तरह जाने नहीं देती है लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके घर में किसी आत्मा का साया है तो वह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लारा और उसके हस्बैंड रेनार्ड से मिलने जाते हैं। फिर लारा तुरंत उनके साथ जाती है और वहाँ वह चार्ली गेम की मदद से एडनी को उस दुनिया से वापस भेजने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच उस बोर्ड में आग लग जाती है और वो जलने लगता है और इधर घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर वो डीमन लारा को ऐसे करने से रोकने के लिए इन पर हमला करती है। बट वो किसी तरह हमले से बच जाती है और वो डीमन को अपने शरीर से बाहर निकालती है लेकिन वह डीमन बहुत ही पावरफुल था और वह उन सभी पर हमला करता है। लारा ने उस डीमन को उसी घर में बंद कर देती है लेकिन वह एक गलती करती है कि वह सबरीना डॉल को अपने साथ बाहर ले आती है और ये डीमन इस डॉल के अंदर आकर बाहर आ जाता है। लारा ने इस डीमन को पहचान लेती है और वह बताती है कि डीमन का नाम बाक्या है, ये कोई आम आत्मा नहीं बल्कि डीमन का बच्चा है और ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ हम वान्या के माता पिता के मृत्यु के बारे में जानते हैं। लारा बताती है कि बाक्या के वश में वान्या की माँ थी और उसने ही अपनी हस्बैंड को मार डाला था। लारा और रेनार्ड किसी तरह बाक्या को उसकी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन इसी दौरान एडनी की भी मौत हो गई थी। वान्या चार्ली गेम की मदद से एडनी की आत्मा को बुला रही थी लेकिन बाक्या डीमन हमारी दुनिया में वापस आ जाता है। बाक्या को मारने का बस एक ही तरीका था, जब वो अपने असली रूप में आए तो लारा उस विरासत में मिले खंजर से इसे मार दे। ये खंजर बाक्या को मारने के लिए ही बनाया गया था और इस समय रेनार्ड के पास है। रेनार्ड को यह खंजर कई साल पहले गुफा में मिला था जहां ये खंजर स्वयं उस डीमन ने छिपाया था। अगले दिन बाक्या डीमन फिर से मायरा को अपने वश में कर लेता है और मायरा इस खंजर से सभी पर वार करती है लेकिन वह किसी तरह मायरा को उसके घर में वापस लाने में कामयाब होते हैं। यहाँ लायरा मायरा पर भूत भगाने का काम करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बाक्या डीमन को इस दुनिया में सबसे पहले एक इंसान ने बुलाया था और हमें पीछे की कहानी पता चलती है कि दरअसल कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उनके पिता की एक टॉय की कंपनी थी। उनके पिता का आर्का के डिजाइन किए हुए खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद आते थे जिससे एडन को जलन होने लगी और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके
प्रॉपर्टी में से 60% हिस्सा आर्का को दे दिया गया और बचे हुए 40% हिस्सा एडन के हिस्से में आई। इससे एडन और भी जलने लगा। वह एक जादूगर के पास गया क्योंकि वह काले जादू की मदद से अपने भाई को मारना चाहता था ताकि उसे वह सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। उस जादूगर ने बाक्या के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया। यह डीमन किसी ह्यूमन बॉडी को चाहता था। फिर बाक्या ने आर्का को वश में करने की कोशिश किया बट ऐसा नहीं होता, इसलिए बाक्या आर्का की वाइफ एडनी को अपने वश में कर लेता है जो वान्या के पेरेंट्स हैं और इसकी मौत का कारण जिम्मेदार एडन था। इधर दूसरी ओर बाक्या के डीमन को एक और ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने एडन को चुना और अपने वश में करके उन पर हमला करता है। लेकिन रेनार्ड किसी तरह डीमन को एडन के शरीर से बाहर निकालता है जिससे कि बाक्या अपने असली रूप में आ जाता है। फिर लारा विरासत में मिले उस खंजर से हमला करके बाक्या को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस आती है और एडन को पकड़ के लेके जाती है और फिर मारिया और वान्या खुशी से रहने लगते हैं। कि अगले सीन में हम देखते हैं कि लारा और रेनार्ड को फिर से किसी का कॉल आता है और बेशक वो उस सबरीना डॉल से ही रिलेटेड कोई केस होता है और फिर मूवी यहीं सीन पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।